तो रोहित भाई क्या है इसमें, क्या लाए हैं यहाँ पर? ये फार्म हाउस के अंदर हो मुर्गे के आप, तो निकालिए उसमें पेपर बिछाना है ना उसको, बताइए थोड़ा सब लोगों को। निकालिए, फटे रहने दीजिए, निकालिए। और कैसा पेपर, नहीं तो अपने चलेंगे अभी मार्केट, रात से ले लेंगे और सारे। ठीक है, पेपर निकालिए जो पुराने जो रखी हुई थी इसमें। ये फार्म हाउस है दोस्तों यार, सही है, ये सही है। मिट्टी टी हटा दो उसकी, पेपर की जितना अच्छा हो, पिछली बार के हैं सब करिए। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये फार्म हाउस है, इसमें भी दो शिफ्ट ही निकाले गए हैं, बहुत ही सस्ते कम खर्चे में आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत कॉस्ट आई है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं किस तरीके से पोल्ट्री फार्म को तैयार करते हैं, क्या सावधानी अपनानी पड़ती हैं कम से कम कॉस्ट में तैयार करना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सतीश चंद्र ब्लॉग पर, और मैं हमेशा बेहतरीन देता हूं आप तक। इसके ऊपर देखिए, मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं, दिख रहा है उधर मछली पालन है, दिख रहा होगा इधर ये पोल्ट्री का, उधर दिख रहा होगा आपको जो ये आपको दिख रहा होगा, एक खम्मा दिख रहा है ईंटों का, ये देसी वाला। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा सर, बाहर की लोकेशन है ये, देखिए बहुत बेहतरीन है। तो बच्चा आने वाला है हमारा, देखिए एक अभी देसी मुर्गी है घूम रही थी, बाकी बिक चुकी हैं। बॉयलर का भी आप कर सकते हैं, कड़कनाथ देसी, ये सब देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको ऐसे डिवाइडेशन कर देते हैं, बड़ा फार्म होता है, जब बच्चा आता है इसको 5 से 7 दिन तक ऐसे किया जाता है। ये देखिए, आप बुरादा का यूज कर सकते हैं या भूसे का भी यूज कर सकते हैं। इसकी परत बिछाई जाती है नीचे ताकि गीला ना करे, गंदा ना करे, और आपको रोज सफाई नहीं करनी पड़ती है। पूरे जब आपका माल पूरा खत्म हो जाता है, बिक जाता है 20-25-30 दिन, उसके बाद फिर इसकी खुदाई करके दोबारा से इसको तैयार किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें पहले। ये देखिए, इस तरफ की लोकेशन है हमारी बाहर की, इसको एकांत में आबादी वाले दूर एरिया में रखा जाता है, जहाँ पर लोगों का कम आवागमन हो, रास्ता कम हो, ये बहुत ज़रूरी होता ताकि बीमारियों से बचा जा सके, बच्चों को बचा सके जो चूजे हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये डिब्बे सारे टांग दिए जाएंगे, 5 दिन के बाद इससे ही दाना पानी लेंगे इन्हीं डिब्बों से वो, और पूरे फार्म हाउस पर छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर बुरादा डाल दिया जाएगा पूरा जो अभी आपको गैप दिख रहा है। तो चलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो भी पूछना हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये हमारा सल्टू है रोहित, ये बताएगा सब कि कैसे पालन करते हैं। अभी सुबह का पेपर है, पढ़ रहे हो क्या? क्यों रोहित, पढ़ रहे हो क्या? पेपर पढ़ रहे हो? इसको कोई बिस्कुट खिला दे तो ये पेपर पढ़ लेता है जल्दी। ये देखिए, अंडे खाते हो? अंडे रिक्वेस्ट तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करें लोग, कर लो भाई, कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो।